हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 को हम सॉल्व कर रहे थे। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, जाइए डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए, वहाँ पर भी मैंने कमेंट करके पिन कर दिए हैं लिंक। ठीक है, तो इस चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा, इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से इस चैप्टर को कर रहे हैं, उनको पता है आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मैक्सिमम, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू। ये मैंने दो बार लिख दिया गलती से, सॉरी। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी। पार्ट 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको तो देखते ही पहचान जाओगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको, चाहे एफ डी टी लगा दो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आपकी मर्जी, जैसी सुविधा हो वैसा आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सपोज मैं चलो मैं सेकंड ही लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लगाना इजी होगा। इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, एक्स की वो वैल्यू जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन ना हो, या तो एक्स की वो वैल्यू जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए। मतलब अब देखो, ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। एक्स यहां पे आप कोई भी रियल नंबर रखो तो ये डेरिवेटिव आपका डिफाइंड है, यानी कि बस हमको क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख के। तो 2x को अगर आप जीरो के इक्वल रखोगे तो 2 तो जीरो हो नहीं सकता है, तो भाई x हो जाएगा आपका जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो ही क्या है आपका, इस क्रिटिकल पॉइंट, यही क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट है। चलो बहुत बढ़िया, अब ये अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो आप सपोज पहले एफ डी टी लगा रहे हो, मैं दोनों लगा के दिखा देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आप लगाओगे तो जीरो के लेफ्ट में आप एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करो, जीरो के लेफ्ट में कोई नंबर चूज करो -1, तो एफ डैश ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह -1 रखो इसमें एफ डैश ऑफ एक्स में, तो -2 आ जाएगा विच इज़ लेस देन वॉट, 0। तो यहाँ आ रहा है साइन हमारा नेगेटिव, और राइट में ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, एफ डैश ऑफ 1 निकाल लो, 0 के राइट में 1 ले लो, तो 2 इंटू 1 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो आपका एफ डैश ऑफ एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव से कहाँ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में। ठीक है ना, और नेगेटिव से पॉजिटिव जब चेंज होता था तो ये जो पॉइंट होता था क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या होता था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो इसलिए x इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये जो फंक्शन आया है, फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग, सपोज इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव करोगे तो f डबल डैश ऑफ x, हाँ भाई 2x का x के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा। अब आप ध्यान से चेक करिए, जो हमारा डबल डेरिवेटिव आया है या सेकंड डेरिवेटिव आया है वो हमेशा 2 है, वो तो x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता, यहाँ x नहीं आया, यानी कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो x की कुछ भी वैल्यू हो तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और आपको पता है कि सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो जो भी x की वैल्यू हमने निकाली, जो क्रिटिकल पॉइंट था, वो क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ठीक है, तो चाहे आप एफ डी टी से कर लो, चाहे एस डी टी से कर लो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमको क्या बोला था कि भाई पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा बताओ अगर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लोकल मैक्सिमा तो एग्जिस्ट करता नहीं, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट था और उस क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे हमने चेक किया, तो x इज इक्वल टू 0 हमको पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला। अब हमको फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो निकालते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, निकाल लीजिए क्या हो जाएगा बताइए, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो एफ ऑफ इस फंक्शन में एक्स की जगह हम जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो जीरो का स्क्वायर कितना आ जाएगा, जीरो, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। अब देखो बच्चों, एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखनी होती तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने पहले ही लैंग्वेज यहाँ पे लिख के रखी हुई है, मैं एक दो बार लैंग्वेज लिखाऊंगा फिर आपको याद करना है, आप अपनी कॉपी में खुद बना के लैंग्वेज लिखिएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है एग्जाम में आंसर, देयरफॉर बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो भी आपने एग्जाम में किया एक टेस्ट करना है आपको। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है, देयरफॉर बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, एफ मतलब जो फंक्शन आपका था, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिख के प्रेजेंटेशन करना है। अब थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके का अपवर्ड पैराबोला आएगा। आप ध्यान से चेक करिए, ये जो फंक्शन है ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पर जीरो है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू मिनिमम है और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, जीरो है, इसलिए हमने ऐसा बोला। और मैक्सिमम वैल्यू तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती ऑब्वियसली, फिर भी उन्होंने लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम की बात करी थी तो हम उन्हीं पे ध्यान देंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पर, क्या ये एब्सोल्यूट मिनिमम है,
क्या ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है या एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा है x इज इक्वल टू 0? यस, क्योंकि इसके अलावा तो कोई लोकल मिनिमम आता ही नहीं है। तो पूरे ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो इससे नीचे कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि यही क्या है, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x इज इक्वल टू 0 ही एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा है और f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही जो फंक्शन की वैल्यू, यही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। ओके, पार्ट टू देखिए स्टूडेंट्स, ये g ऑफ x एक फंक्शन दिया है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, 3 यदि आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इस g डैश ऑफ x को उठा के 0 के इक्वल रख दीजिए। ठीक है, तो आप इसको अगर 0 के इक्वल रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो 0 हो नहीं सकता है, तो x स्क्वायर माइनस 1 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आपको प्लस माइनस 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि x की दो वैल्यूज आ गई। क्या क्या, x इज इक्वल्स टू प्लस 1 आ गया, प्लस 1 का मतलब इसको आप 1 भी लिख सकते हो, और जो x की दूसरी वैल्यू वो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गई। तो आपको यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, और इसके अलावा जो आपका g डैश ऑफ x आया था, ठीक है, ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड हो। अगर x की ऐसी कोई वैल्यू होती जिसके लिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होता तो वो पॉइंट भी हम क्रिटिकल पॉइंट में काउंट करते, बट यहाँ पर केवल दो ही क्रिटिकल पॉइंट हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ईजी है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर लगाऊंगा तो एक बार 1 के लेफ्ट राइट में चेक करना पड़ेगा, एक बार माइनस 1 के लेफ्ट राइट में, है ना। तो प्रॉब्लम का विषय है, आप चेक करना हो तो आप कर सकते हो। देखो, जी डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लगाया, एस डी टी, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 3 तो कॉन्स्टेंट है, 3 को छोड़ो, एक्स स्क्वायर का करोगे कितना आ जाएगा 2x और माइनस 1 का करोगे 0 आ जाएगा, 3 टू जा 6x आ गया। अब ये जो सेकेंड डेरिवेटिव आया है हमारा, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका साइन चेक करेंगे कहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 जी डबल डैश ऑफ x की जगह 1 रखो, अगर हम रखेंगे ऐसा तो 6 इंटू 1 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 पर जी डबल डैश ऑफ 1 क्या है हमारा, पॉजिटिव आया है ना, जी डबल डैश ऑफ 1 का साइन हमारा पॉजिटिव आया है, और जब साइन हमारा पॉजिटिव आता है तो ये जो x की वैल्यू होती है यही क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब चेक करते हैं कहाँ पर x, अच्छा एक काम और करते हैं, अगर x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो हम लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं। ठीक, देखिए लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय, कैसे निकालोगे, इस फंक्शन में डेरिवेटिव में मत रख देना, फंक्शन में x की वैल्यू 1 रख दो, तो g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 3 होता है और 1 माइनस 3 आपका माइनस 2 होता है। ठीक है, तो फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू है माइनस 2 है, या अकर कहाँ पे करती है, x इज इक्वल्स टू 1 पे अकर करती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अब हम चेक करते हैं कहाँ पर, एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पे। तो g डबल डैश ऑफ माइनस 1 जब हमने चेक किया तो देखते हैं इसका साइन कैसा आता है, g डबल डैश ऑफ x कितना था, 6 इंटू x, x की जगह माइनस 1 रखो, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 विच इज़ लेस देन 0, ये तो नेगेटिव आ गया। और x की जिस वैल्यू के लिए g डबल डैश ऑफ x हमारा नेगेटिव आता है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, वो वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमको लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय जी ऑफ माइनस 1, आइए निकालते हैं जरा, x की वैल्यू माइनस 1 रखो तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, और यहाँ पर x माइनस 1 रखोगे तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, लोकल मैक्सिमम में, और वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, तो ये खत्म कहानी। अब आप अगर चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो। अब आइए थोड़ा सा इसका ग्राफ स्टडी हम आपको करवा देते हैं। यहाँ पर हमने आपको असली ग्राफ बनाया हुआ है आपको सिचुएशन को विजुलाइज कराने के लिए। ठीक है, आपका काम खत्म हो गया, इतना न्यूमेरिकल करके आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक, बट फिर भी ये देखिए मैंने कर्व बनाया हुआ है किसका, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x का। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोड़ो उसको, टेंशन मत लो, बस सिर्फ विजुलाइज करो, ध्यान से चेक करो। हमको इस ग्राफ में दो ही पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, देखो यहाँ मैक्सिमम है,
और वन पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। और देखो वन पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टू, यही आ रहा था कि वन पे फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, सॉरी वन पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस टू, और माइनस वन पे कितनी आ रही थी, ये देखिए माइनस वन पे टू आ रही थी, तो माइनस वन पे टू और वन पे माइनस टू, तो यही दो पॉइंट है पॉइंट ऑफ लोकल। ये देखो ये x इज इक्वल टू वन क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो ये हो गया। अब एग्जाम में आंसर भी लिखना है, कला की बात है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से, ऐसे लिखना है। देखिए ये लिखा हुआ आप देख लो, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एट x इज इक्वल्स टू वन, सॉरी बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल्स टू वन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ g एट x इज इक्वल्स टू वन इज गिवन बाय g ऑफ वन इज इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक। हाउएवर x इज इक्वल्स टू माइनस वन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g, g का मतलब फंक्शन का नाम है ना जी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g एट x इज इक्वल्स टू माइनस वन इज g ऑफ माइनस वन इज इक्वल्स टू टू। देखिए स्टूडेंट्स, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप वन नाम दे दो, चलो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो एच का डेरिवेटिव एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन का क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, सभी बच्चों को पता होगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। चलो अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो, तो चेक करो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर ये पीरियोडिक है ये पीरियोडिक है, तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है इसका जो रिजल्ट होगा ये भी क्या होगा, एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, यहाँ ग्राफ बना हुआ है, आपको नहीं बनाना है, मैंने विजुलाइज कराने के लिए बनाया है, ठीक है। तो एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये डिफाइंड ना हो, ये तो डिफाइंड है, देखो आप एक्स की कुछ भी वैल्यू दो ये कुछ ना कुछ आउटपुट लेता ही है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, इसको जीरो के इक्वल रख के, तो हमने क्या किया एच डैश ऑफ एक्स, यानी कि ये जो आया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हमने क्या किया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को उठा के हमने जीरो के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब साइन एक्स को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स उधर जाके जीरो प्लस साइन एक्स, साइन एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने क्या किया डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स बोथ साइड, तो कॉस एक्स से लेफ्ट में और कॉस एक्स से हमने राइट में डिवाइड कर दिया, ये कट गया इधर वन आ गया, और साइन अपॉन कॉस टेन, तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन वाई, मैं इसको लिख सकता हूँ टेन वाई का मतलब टेन एक्स इज इक्वल्स टू वन लिख सकता हूँ, अरे भाई आर एच एस को एल एच एस में लिख दिया, एल एच एस को आर एच एस में, यहाँ वन बचेगा ना, कॉस से कॉस कटा वन, ठीक। अब सुनो इसको हम सॉल्व कैसे करें, टेन एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई वन का मतलब क्या होता है टेन फोर्टी फाइव, यानी कि टेन पाई बाई फोर, तो वन को आपने क्या लिख लिया टेन पाई बाई फोर। अब क्लास इलेवंथ में चले जाओ, मैंने कई बार आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये चीज़ कराई है, अगर आपने इलेवंथ में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अगर टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन वाई होता है तो ये जो एक्स होता है आपका ये आपको कैसे मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने सॉल्व करना सीखा है, ये एक्स हमको मिलता है एन पाई प्लस वाई से, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एक्स है हमें कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा एन पाई प्लस वाई, वाई क्या है आपका, देखो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वहाँ पर वाई होता है, और यहाँ पर हमारा वाई की जगह क्या है, ये वाई नोन होता है हमारे लिए, तो ये पाई बाई फोर है। अब क्या करें, ये एन क्या होता था इंटीजर, इंटीजर क्या होता है जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू, ठीक। तो एन की वैल्यू पहले जीरो अगर हम पुट करें, एन अगर जीरो पुट करें तो एक्स कितना आ जाएगा जीरो इंटू पाई जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई फोर, ठीक। अब सुनो एन की वैल्यू अगर आप वन पुट करोगे, एन इज इक्वल्स टू वन पुट करोगे तो क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल्स टू वन पाई प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव पाई बाई फोर, ठीक। अब ये वैल्यू नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि इंटरवल दे रखा है, ध्यान से चेक करो x इज इन ओपन इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू, जीरो से बड़ा है x और पाई बाई टू से छोटा है, यानी कि ये कहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है भाई, जीरो यहाँ होता है और यहाँ क्या होता है पाई बाई टू, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी वो चलेंगी, इसको ध्यान से चेक करो फाइव पाई बाई फोर, ये तो आपका पाई बाई टू से बाहर चला गया तो ये नहीं चलेगा। इसी तरीके से एन की अब आप टू एन इज इक्वल्स टू टू नहीं पुट कर सकते हो, थ्री नहीं पुट कर सकते हो, इसी तरीके से एन इज इक्वल्स टू माइनस वन अगर आप पुट करोगे इसमें, पुट करके देख लीजिएगा, तो आंसर आपका एक्स का वैल्यू आपका नेगेटिव एंगल आ जाएगा, नेगेटिव एंगल भी अलाउड नहीं है क्योंकि जो एक्स है वो क्या है जीरो से पाई बाई टू के बीच में, तो एक्स की केवल एक ही वैल्यू चलेगी वो क्या है पाई बाई फोर। भाई इन्होंने इंटरवल डिफाइन कर दिया है ना, और ऑब्वियसली डिफाइन तो करेंगे क्योंकि ये जो ग्राफ मैंने आपको बना के यहाँ दिया है किसका ग्राफ है, फंक्शन क्या है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का है, तो इसकी डोमेन तो क्या है रियल नंबर है ना, तो इस रियल नंबर की डोमेन को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इस इंटरवल में, ठीक है ना। तो केवल इतने इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो हमको एक एंगल मिला पाई बाई फोर, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हम चाहें तो हम लिख भी सकते हैं यहां पर क्या कि x विच बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल व्हाट
ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, इसी के बीच में आता है, ओपन किया है क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, देखो 0 और पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या करते हैं कि इस ये जो आया है हमारा x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, यही हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए चलो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये सपोज इक्वेशन 2 आई आपकी, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा h डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, ठीक है, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस कॉस एक्स भी आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, h डबल डैश ऑफ x आ गया। अब चेक करते हैं कहाँ पर, एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे हम h डबल डैश ऑफ x का साइन चेक करते हैं, तो h डबल डैश ऑफ x की जगह पाई बाई 4 रखो, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और साइन x यानी कि साइन पाई बाई 4, ठीक है, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 समझते हो, साइन 45 और कॉस 45, ठीक है, कितना होता है, साइन 45 वन अपॉन रूट टू होता है, और कॉस 45 भी वन अपॉन रूट टू होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे, रूट टू एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2, यानी कि आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2, करेक्ट। अब इसको रेशलाइज कर दो, रूट टू से ऊपर रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो रूट टू इंटू रूट टू नीचे 2 हो जाएगा, तो हमने इसको रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा, तो इसको हमने इस 2 से कैंसिल कर दिया, आंसर क्या है अंदर रूट टू बाहर क्या है माइनस, तो ये देखिए माइनस रूट टू विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, माइनस 1.414, भाई रूट टू की वैल्यू शायद मेरे ख्याल से 1.414 होती है ना, तो रूट टू की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक है। तो बात थोड़ा सा समझिए आप क्या, कि जो आपका डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 आया है वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, यानी कि h डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 आपका माइनस रूट टू आया है, विच इज़ वॉट नेगेटिव, यानी कि ये आ गया लेस देन 0। तो इसका मतलब जो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 हमने निकाला था, ठीक है, ये x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, क्यों, क्योंकि हमारा डबल डेरिवेटिव का साइन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये जो है आपका x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये है आपका क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो हमको लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय ये जो फंक्शन है आपका, यानी कि h डैश ऑफ x, ये जो फंक्शन है ये इक्वेशन नंबर 1 से जो दिखाया है, इस फंक्शन में x की जगह पाई बाई 4 आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पाई बाई 4 यदि आप इसमें रखोगे तो साइन पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, और कॉस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2, और फिर इसको रेशलाइज कर देना, रूट टू से ऊपर रूट टू से नीचे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा रूट टू होगा ना, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया रूट टू। अब ये रूट टू कितना होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.414 के। अब ग्राफ पे आ जाओ, ध्यान से चेक करो क्या कि इस ग्राफ में हमारे पास स्टूडेंट यहाँ कहीं पे 2 आता है, ठीक है, अरे ये रेडियन में चल रहा है यार, क्यों, पाई 3.14 रेडियन नहीं होता है, बताया आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, तो ये एंगल चल रहे हैं, तो सोचो अगर यहाँ 2 आता है तो यहाँ कहीं आपका क्या आता होगा, पाई बाई 4 का मतलब समझते हो ना, पाई बाई 4 का मतलब होता है पाई की वैल्यू रख दो 3.14 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए फटाफट कैलकुलेटर से, आपको नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है और फुल मार्क्स भी आपको मिल चुके हैं, ठीक है, 0.785, ठीक है। तो सोचो अगर यहाँ 2 आता है तो यहाँ 1 आता होगा, ठीक, यहाँ कहीं 1 आता होगा, और 1 से जस्ट पहले आता होगा यहाँ पर 0.785 आता होगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पाई बाई 4 आता होगा, ठीक है। अब पाई बाई 4 पे ध्यान से चेक करो, ये फंक्शन ने कितनी वैल्यू ली है, 2 से कम, यानी कि रूट टू का मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.414 ली, तो यही बात तो है क्या कि x इज इक्वल टू जो पाई बाई 4 है, ये देखो पाई बाई 4 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, रूट टू है, बात समझ में आई। और डोमेन क्या मतलब, इसको इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करी थी 0 से π/2, ठीक है, तो 0 तो आपका यहाँ आता है, ये रहा आपका 0, ठीक है, और पाई बाई 2 कहाँ आएगा, पाई बाई 2 आएगा पाई बाई 4 के थोड़ा सा आगे, यानी कि जो पाई बाई 2 होगा आपका वो कितना हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई 1.57, ठीक है। तो सोचो 1.57 यहाँ कहीं आता होगा, यहाँ कहीं, यही क्या है आपका पाई बाई टू, यानी कि उन्होंने इस ओपन इंटरवल पाई बाई टू से लेके ओपन इंटरवल जीरो के बीच में बात करी थी आपसे, ये इतने इंटरवल में बात करी थी, तो इतने इंटरवल में आपको एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया पाई बाई फोर, जहाँ पर ये फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये इतनी डोमेन के लिए, सिर्फ इतने पोर्शन के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया कौन, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, रूट टू आई, बात समझ में। अगर इतनी डोमेन के लिए अगर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपसे पूछें तो यही रूट टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी हो जाएगी, और यही जो पाई बाई फोर आया है यही आपका पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि लोकल शब्द का यूज़ यहाँ पर किया गया था तो हमने लोकल शब्द का यूज़ करके आंसर दिया। अब हम आंसर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर बाय एसडीटी, आप पूरा लिखोगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने शॉर्ट में लिखा, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, एच का मतलब फंक्शन का नाम है एच, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर इज एच ऑफ पाई बाई फोर इज इक्वल टू रूट टू। पार्ट फोर देखिए स्टूडेंट, अब इसका ग्राफ नहीं बनाया है, ठीक है, सिंपली अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सारे ग्राफ बना के विजुलाइज करा दिया मैंने आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल जीरो टू टू पाई में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसका, एफ डैश ऑफ एक्स साइन का क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन एक्स होगा तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको जीरो के इक्वल रखिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स को आपने जीरो के इक्वल रखा, यानी कि इसको आप जीरो के इक्वल रखेंगे, इसको वन बना लीजिए, ठीक। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो रखा आपने, ठीक है ना। अब ये साइन एक्स राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, भाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल है तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल होगा। अब बोथ साइड कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट में भी हमने कॉस एक्स से डिवाइड किया और राइट में भी हमने कॉस एक्स से डिवाइड किया, कॉस से कॉस कट गया, इधर वन बच जाएगा और साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, लेकिन ध्यान दें यहाँ माइनस आ गया है आगे, ठीक है, और इज इक्वल्स टू वन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन बोथ साइड कर रहे हैं, लेफ्ट में माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और राइट में माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो वन इंटू माइनस वन हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, लेकिन हमको y की वैल्यू तो पता चले, मतलब कि आप सोचिए माइनस वन टेन माइनस वन कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, टेन 135, भाई पता है ना आपको टेन 135 माइनस वन होता है कैसे, टेन 90 प्लस 45, ये कहाँ आएगा, 90 का मतलब पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन का रिजल्ट क्या होता है आपका, ये टेन का रिजल्ट होता है आपका कितना, नेगेटिव होता है, ठीक है, लेट मी चेक इट। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू, तो टेन पाई बाई टू और प्लस पाई बाई फोर, ठीक है, यहाँ से कुछ बात बनेगी हमारी, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका टेन, यहाँ से शायद बात नहीं बनेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, कॉट आ जाएगा, हमको फंक्शन भी नहीं चेंज करना, हमको टेन ही बनाना है यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं क्या, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में करने का एक और तरीका है, क्या कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा पाई माइनस थीटा भी आता है, यानी कि टेन पाई, पाई क्या होता है 180 है ना, पाई यहाँ आएगा, टेन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठेगा, तो टेन पाई माइनस पाई बाई फोर अगर हम करें, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि टेन का तो टेन रहेगा, टेन पाई बाई फोर आएगा, टेन पाई माइनस थीटा टेन पाई बाई फोर, लेकिन साइन होगा कैसा, नेगेटिव, क्योंकि आफ्टर स्कूल साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि आप अगर ध्यान से चेक करें तो यहीं से आप चेक करिएगा, ये माइनस अब ऐसे ही रहेगा, ठीक, और टेन पाई बाई फोर क्या हो गया, वन हो गया, यानी कि माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अंदर सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, फोर पाई माइनस पाई, यानी कि थ्री पाई बाई फोर, तो टेन थ्री पाई बाई फोर ही आपका क्या होता है, माइनस वन होता है। तो हमने क्या किया, अगले स्टेप में इस माइनस वन की जगह हमने क्या लिखा, इस माइनस वन की जगह हमने लिखा टेन थ्री पाई बाई फोर, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट एक्स को हमको निकालना है, ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिए, वैसे तो क्लास ट्वेल्थ में हो, इतना अब आ जाना चाहिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए हो भाई, ठीक है। चलो अब देखो, टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई प्लस वाई, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा एक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, एन पाई और प्लस वाई, वाई की जगह क्या है हमारे पास, थ्री पाई बाई फोर, यानी कि थ्री पाई बाई फोर, जहाँ पर एन क्या है हमारा, कोई इंटीजर है। अब एन की वैल्यूज रखना हम शुरू करते हैं, ठीक है ना, एन की वैल्यूज हम रखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्स हमको क्या क्या मिल जाता है। और ध्यान रहे कि जो भी एक्स आपको मिले वो इस इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है।
चलो तो n की वैल्यू हमने पहले 0 पुट करी, जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको x कितना मिल जाएगा, यहाँ पे n 0 रखो, चलो 0 इंटू पाई, ये खत्म हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि 3 पाई बाई 4 का मतलब 135 डिग्री होता है ना, और इंटरवल हमको दिया है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, कुछ भी आ जाए वो हमको लेना है, मतलब एक पूरे साइकिल में। ठीक है, तो हमारा 3 पाई बाई 4 यहाँ कहीं बैठेगा। ठीक है, तो 3 पाई बाई 4 जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो x ये वाला जो आया हमारा, हम इसको लेंगे, क्योंकि ये कौन से इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई में बिलोंग करता है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 रखें, स्टूडेंट्स रखिए जरा यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इंटीजर है ना, 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, माइनस 1 रखोगे, माइनस 2 रखोगे। ठीक, तो n की वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू पाई, पाई हो जाएगा, पाई प्लस साथ में क्या है 3 पाई बाई 4, 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई, तो x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4। अब स्टूडेंट्स आप अगर इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको डिग्री में चेंज कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा इसको लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, डिग्री में कैसे करते थे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके, किसी भी एंगल को जो रेडियन में दिया हो उसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये कट गया आपका। ठीक है ना, और उसके बाद पाई से पाई गया, उसके बाद 4 जा 16 और 2 4 5 जा, ठीक है, तो 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 31। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 315 डिग्री आ गया। तो ये कहाँ बैठेगा, सोचो 0 से लेके 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, ये तो पता होगा, तो 315 यहाँ कहीं बैठेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि इसको भी हम ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 315 डिग्री है, विच बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 टू 2 पाई। ओके, तो इसको भी हम ले सकते हैं, बिल्कुल सही। अब अगर हम वैल्यू लें एन इज इक्वल्स टू 2, चलो देखते हैं जरा, एन इज इक्वल्स टू 2 लो तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 पाई और प्लस 3 पाई बाई 4, तो 4 टू 8 पाई प्लस 11 पाई, तो 11 पाई बाई 4। अगर आप इसको मोटा मोटा डिवाइड लगाओ तो 11 अपॉन 2 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना, 11 अपॉन 2 कह रहा हूँ, सॉरी 11 अपॉन 4 करो, चलो 11 अपॉन 4 करो तो 2.75 आ जाएगा ये, तो 2.75 और साथ में पाई, तो भैया 2.75 पाई, तो 2 पाई को पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा ना, 2.75 2 से बड़ा होता है यार, तो 2.7 यहाँ कहीं बैठेगा 2.75 पाई, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, यानी कि अब हम n की वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते, जब 2 नहीं ले सकते हो तो 3 कहाँ से ले पाओगे। ठीक है, तो अब x की वैल्यू जो आ रही है n इज इक्वल्स टू 2 रखने पर, 3 रखने पर, वो इस इंटरवल से बाहर चली जा रही है। अब n इज इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट में रखो, n इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखो, n एक इंटीजर होता है याद रखिए, 0 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 ये सब हम रखते हैं। n की वैल्यू यदि आप माइनस 1 रखेंगे, ठीक है, तो x आ जाएगा आपका कितना, देखो n की वैल्यू माइनस 1 रखो तो माइनस पाई और प्लस 3 पाई बाई 4, तो 4 इंटू माइनस पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 4 पाई प्लस 3 पाई, माइनस पाई बाई 4 आ गया। अब ये माइनस पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया, ये तो नेगेटिव एंगल आ गया, है ना, तो जो नेगेटिव एंगल है वो हमारा नहीं है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में 0 से 2 पाई केवल पॉजिटिव एंगल्स हैं, तो हम इसको भी नहीं ले सकते हैं, यानी कि अब हमारे पास n की कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास केवल 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, इतना आप कॉपी कर लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारा क्या, 3 पाई बाई 4, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है हमारा 7 पाई बाई 4, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, ये हमारा फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है, और सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4, जो कि दिए गए ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई को बिलोंग करता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स में हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं, इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो वो इजी पड़ेगा, तो ये जो इक्वेशन 1 है f डैश ऑफ x, इसको फिर से हम डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, इतना कॉपी कर लो, इसको मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लो, कर लिया, चलो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 1 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, करिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉस का क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है, और प्लस साइन का क्या होता है, कॉस x होता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपका जो f डबल डैश ऑफ x आ गया वो आ गया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या, अरे ऐसे ही रहना, तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, चलो छोड़, ये हो गया, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 पे हम चेक करेंगे। ठीक है, किसको चेक करेंगे, इस f डबल डैश ऑफ x के साइन को, तो f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, तो x की जगह 3 पाई बाई 4 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x की जगह 3
पाई बाई फोर और प्लस कॉस थ्री पाई बाई फोर। ठीक है, अब देखिए साइन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। साइन थ्री पाई बाई फोर का मतलब होता है स्टूडेंट्स साइन पाई माइनस पाई बाई फोर, होता है कि नहीं होता है, खुद ध्यान से चेक करो। फोर पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाई फोर, तो थ्री पाई बाई फोर को पाई माइनस पाई बाई फोर लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो क्या, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि हो जाएगा साइन पाई माइनस ये रहा थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पाई बाई फोर। ठीक है, सब बेसिक्स आपको आने चाहिए, मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको राय दी थी कि 11th का आपको आना चाहिए। ठीक, तो यानी कि साइन 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ गई आपकी कितनी, साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2, यानी कि ये जो साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू है ये 1/√2 आ गई। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, माइनस तो ऐसे ही कॉपी कर देंगे, और साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 आ गई, प्लस ये कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कॉस 3 पाई बाई 4 को आप फिर से वैसे ही क्या कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 लिखोगे, लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉस पाई बाई 4 1/√2 होता है। ठीक, तो यानी कि कॉस 3 पाई बाई 4 की जगह आप माइनस 1/√2 लिख सकते हो, तो इसकी जगह आपने क्या लिखा माइनस 1/√2, जैसे ही लगाओगे माइनस ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, यानी कि आ गया माइनस 1/√2, करेक्ट। अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस यदि आप कॉमन ले लोगे तो 1/√2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/√2 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 टू टाइम्स 1/√2 यानी कि 2/√2। अब इसको रेशलाइज कर दो, रूट टू से ऊपर रूट टू से नीचे, ये रूट टू से रूट टू मतलब ये रूट टू टू रूट टू टू से टू कटा, आंसर बाहर गया है माइनस और ये आ गया रूट टू, करेक्ट। यानी कि आपका स्टूडेंट्स एफ डबल डैश ऑफ 3 पाई बाई 4 जो आया है वो आया है कैसा, नेगेटिव आ गया, माइनस रूट टू भैया नेगेटिव ही तो होता है, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 है ये क्या है आपका, ये है पॉइंट ऑफ लोकल लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है ना। तो अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, f जो फंक्शन दिया था ये फंक्शन, वहाँ पे हम x की जगह क्या रख देंगे 3 पाई बाई 4 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4 और माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, अभी अभी इसको आपने सॉल्व किया है, साइन 3 पाई बाई 4 कितना आया था 1/√2 आया था याद है, फिर माइनस लगा देंगे, लेकिन ध्यान रहे कॉस 3 पाई बाई 4 कितना आया था, ये माइनस का 1/√2 आया था, तो इसकी वैल्यू अगर आप लिखोगे क्या माइनस का 1/√2, तो आपके पास ये 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको रूट टू मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई रूट टू, और आई कहाँ पर है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है थ्री पाई बाई सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है थ्री पाई बाई फोर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आंसर किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट आंसर कि देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज एफ ऑफ 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू रूट टू। इतना कर लीजिए पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 को चेक करते हैं, ये कैसा पॉइंट है, ठीक है। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह हमने रखा 7 पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन 7 पाई बाई 4 और प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। अब साइन 7 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 6, यही क्या है आपका साइन 7 पाई बाई 4 को आप ऐसे ही तो लिख सकते हो, सॉरी साइन क्या है 7 पाई बाई 4 है ना, ओके 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 7 पाई बाई 4 है ये आपको, ठीक है। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, पाई बाई 6 तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको हम 7 पाई बाई 4, ये बैठेगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं शायद क्या 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अभी दिखा था ना 7 पाई बाई 4 315 डिग्री है,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा, देखो 4 × 8π, 8π − π, 7π/4, यानी कि आपने क्या किया, आपने साइन 7π/4 को क्या लिख लिया, साइन 2π − π/4। अब साइन 2π − θ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि आ जाएगा साइन 2π − θ − sin θ, थीटा की जगह π/4, तो माइनस ऐसे ही रहेगा, और साइन π/4 होता है आपका 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और साइन 7π/4 की वैल्यू आ गई कितनी, −1/√2, प्लस लगाए लगा देंगे। अब बात करते हैं किसकी, कॉस 7π/4 की, तो यहाँ पे निकालते हैं कॉस 7π/4 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2π − π/4, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 4 × 8, 8π − π, 7π/4 ही तो होगा, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, कॉस 2π − θ, कॉस थीटा ही होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि ये आ गया 1/√2। ठीक है, तो कॉस 7π/4 की जगह क्या आ गया, 1/√2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/√2 और प्लस 1/√2, इसको सॉल्व करोगे तो ये रूट टू आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि f′′ (7π/4) जो है वो आपका √2 आ गया, √2 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि ये आ गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, x = 7π/4, हमारा डबल डेरिवेटिव का जो साइन है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, कौन, x = 7π/4। अब हम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लोकल मिनिमम वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा f ऑफ फंक्शन में x की जगह हम क्या रख देंगे, 7π/4। ठीक है, तो रखते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4 = साइन 7π/4 कितना आया था, −1/√2, तो ये हो जाएगा −1/√2, और फिर यहाँ माइनस लगाए लगा देंगे, कॉस 7π/4 कितना आया, 1/√2, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अभी किया था मैंने, तो आ जाएगा −√2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा, हाउएवर x = 7π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x = 7π/4 इज f(7π/4) −√2। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट फिफ्थ, अब ग्राफ नहीं बनाया इसका, पहचान रहे हो क्यूबिक पॉलीनोमियल है, तो एक फेस ऊपर जा रहा होगा, एक नीचे जा रहा होगा, तो दो ही पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना, कई बार आपने महसूस किया होगा, ऐसा फील किया होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया इसको, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f′(x) = x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस ये 2 आ गया जाएगा, 6 × 2 = 12x और प्लस 9x·9 = 15। ठीक, अब इसमें अगर आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x² − 4x और प्लस 3, करेक्ट। तो इस तरीके से अब इसके अगर हम फैक्टर करें, फैक्टर क्या मतलब, ये हो गया f′(x) हो गया आपका, इक्वेशन 1 होगी, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 के इक्वल रख दो, 3 तो 0 नहीं हो सकता, तो इसको 0 के इक्वल रखोगे, यानी कि x² − 4x + 3 = 0, इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा −3x और −x और प्लस 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो कर लेते हो ना, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x − 3, और यहाँ से −1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x − 3, ये आ जाएगा यहाँ से x − 1 × x − 3 = 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x = 1, और अगर x − 3 0 होगा तो x = 3। तो आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं तो वो इजी रहेगा। ठीक है, तो SDT लगाने जा रहे हैं, इजी रहेगा। ठीक है, तो f′(x) अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, और x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x का 4 और 3 का हो गया 0। अब एट x = 1 हम चेक करते हैं किसको, f′(x) के साइन को, यानी कि x की जगह हम 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 2 और −4, ये हो जाएगा अंदर −2 × 3 −6 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव आ गया। तो x = 1 पे f′(x) हमारा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लीजिए, ये तो यहीं पे निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मिलेगी फंक्शन से, f ऑफ फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 1,
ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 और प्लस 9 इंटू 1 9 और प्लस 15, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 9 प्लस 15, 15 माइनस 5 10, 10 प्लस 9 19 हो गया। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 19 हो गया। अब एट x इज इक्वल्स टू 3 पे, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3 पे हम साइन चेक करते हैं किसका, f डबल डैश ऑफ x का, तो x की जगह 3 रखेंगे यहाँ पर, रखो तो 3 और 2 3 जा 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 3, यानी कि फंक्शन में आप x की जगह 3 रखिए, तो 3 का क्यूब 27 होता है माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54 और प्लस 9 3 जा 27 प्लस 15, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान चेक करो, 27 प्लस 27 54 होता है और ये नेगेटिव का 54 तो कैंसिल हो जाएगा, सीधे आपके पास 15 आ गया। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी 15 है, यही हमने आंसर लिखा है। देयरफॉर ऐसे ही, पता लैंग्वेज में क्यों लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखनी है भाई, वरना उसको समझ में कैसे आएगा। देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 1 इज f ऑफ 1 = 19, हाउएवर x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f एट x = 3 इज f ऑफ 3 = 15। और सिक्स्थ, इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ इंटरवल दिया हुआ है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू आए जो नेगेटिव हो तो आपको वो नहीं लेनी है, जीरो से बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू, ग्रेटर मतलब जीरो से बड़ी का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम g डैश ऑफ x निकालते हैं, देखो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो यहाँ 1/2 बचेगा, अरे इसका क्या मतलब 1/2 इंटू x ना, 1/2 कॉन्स्टेंट है और x का हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और प्लस, हाँ भाई 2 तो ऐसे ही रहेगा और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x2 है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ एक्चुअल में माइनस आ जाएगा और 1/x2 का मतलब यहाँ अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये g डैश ऑफ x आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल रखोगे, यानी कि 1/2 माइनस 2/x2 इज इक्वल्स टू 0, ये जाएगा राइट में तो 1/2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, तो 2/x2, ठीक है, क्रॉस करा दो तो x2 इंटू 1x2 इज इक्वल्स टू 2 2 4, x का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x की दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक तो प्लस 2 और एक माइनस 2, अब हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, सिंस x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x की ऐसी वैल्यूज जो ग्रेटर देन 0 है केवल हमको वही लेनी है, तो x इज इक्वल्स टू 2 को ही लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, x की दो वैल्यूज आई हैं लेकिन हम इसको इग्नोर कर देंगे, रीजन ऐसा दे देंगे। ठीक, अब x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, ईजी पड़ेगा, g डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, और देखो इसका कैसे करोगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्चुअल में ये बात है ना, b बाय डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ 2/x2। ठीक है, देखो माइनस 2 तो आ जाएगा बाहर, यानी कि d बाय डी एक्स ऑफ 1/x2, तो ये हो जाएगा माइनस 2, 1/x2 का मतलब x स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 2, अब कर लो क्या होता है, माइनस 2 आगे आ जाएगा तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे यानी कि माइनस 3 हो जाएगा, तो 4/x³ हो जाएगा, ये नीचे ले होगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आ गया क्या, g डबल डैश ऑफ x क्या आ गया, 4/x³। अब इसको हम चेक करेंगे कहाँ, एट x इज इक्वल्स टू 2 पर, क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, तो g डबल डैश ऑफ जी डबल डैश ऑफ x की वैल्यू 2 रख दो। ठीक है, तो 2 अगर आप यहाँ रखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4/2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 4 1 4 2 1/2 आ गया, 1/2 इज व्हाट, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, लोकल, अब मैं लैंग्वेज आप खुद लिखिएगा, ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी फंक्शन जो दिया है g ऑफ x, उसमें हम x की जगह 2 रख देंगे, तो 2/2 1 हो जाएगा और प्लस
टू अपॉन एक्स की वैल्यू टू, वन अपॉन हो जाए, अरे टू से टू कैंसिल होगा, वन, वन प्लस वन टू, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू टू है और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, टू है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और देखिए, मैं गौर कर रहा था कि आपका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ डिफाइंड नहीं होता वो भी तो क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो सोचो ना, एक्स की वैल्यू अगर जीरो ले लें हम, भाई ध्यान से चेक करो, अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो ले लें, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपका जी डैश ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, देखो वन अपॉइंट टू और माइनस टू अपॉइंट जीरो का स्क्वायर, जीरो होता है, टू पॉइंट जीरो नॉट डिफाइंड, और वन अपॉइंट टू माइनस नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा ये, अरे वन अपॉइंट टू माइनस नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यार, नॉट डिफाइंड में कुछ भी जोड़ो घटाओ नॉट डिफाइंड आएगा, तो ये नॉट डिफाइंड आ गया। तो एक्स की जिस वैल्यू के लिए हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होता है वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारा फर्ज बनता था कि हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पे भी चेक करें कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जी डबल डैश ऑफ एक्स को चेक किया जीरो पे, तो ये भी नॉट डिफाइंड आ गया, फोर अपॉन जीरो का क्यूब, जीरो होता है, ये भी नॉट डिफाइंड, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमने कहा भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट तो काम नहीं कर रहा है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चले गए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में गए हम, तो जीरो के लेफ्ट में, जीरो के राइट में जब हमने साइन चेक किया, ठीक है, किसका साइन चेक किया हमने, हमने साइन चेक किया फर्स्ट डेरिवेटिव का, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, जीरो के लेफ्ट में अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे तब भी ये नेगेटिव आ जाएगा, राइट में भी ये नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव, यानी कि ये जो एक्स इक्वल्स टू जीरो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैं इसको, हाँ, नाइदर मैक्सिमम नॉर मैक्सिमम आप बोल सकते हो भाई, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मैक्सिमम वाला केस है ये। बट अगर आप ध्यान से चेक करें तो मैंने इसका यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में देखो ये ग्राफ ऐसा है, x इज इक्वल जीरो के राइट में ऐसा है, पता है। मोटी मोटी बात ये है कि x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है, चेक करो, ये y एक्सिस को कहाँ मीट करेगा हमें नहीं पता, इन्फिनिटी पे, और इसी से x इज इक्वल टू जीरो पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में y को कहाँ मीट करेगा हमें नहीं पता। तो मोटी मोटी बात पता है क्या लिखनी चाहिए थी हमें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता था जहाँ कर्व अपना शेप चेंज करता था, ठीक है। तो ये कर्व अपना शेप क्या x इज इक्वल टू जीरो पे चेंज कर रहा है, नहीं, x इज इक्वल टू जीरो पे तो उसकी वैल्यू ही नहीं डिफाइंड है भैया, तो हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। हम पता है क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे तो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, जो हमने आपको पहले किया था वो, उस पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये वाला केस आता है कि क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पर डेरिवेटिव ना डिफाइंड हो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड। फंक्शन को चेक करो, ठीक है, इसको चेक करो, ये हो जाएगा आपका जी ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो पॉइंट टू, तो जीरो हो जाएगा, प्लस टू पॉइंट जीरो नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड प्लस जीरो नॉट डिफाइंड, और चेक कर लो आप ग्राफ से, जीरो पे ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि वाई में भी ये कहाँ मीट करता है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में हमें नहीं पता, ठीक। तो इसलिए अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि एक्स इक्वल्स टू जीरो पे इन्होंने क्यों नहीं चेक किया, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है, इसलिए एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। पार्ट सेवन्थ इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू लो, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नीचे कभी भी जीरो नहीं आएगा, आप चेक कर लो रखो, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस टू, नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी, नीचे कभी जीरो आ ही नहीं सकता है। तो ये फंक्शन कभी डिफाइंड है ही नहीं, मतलब सॉरी, ये फंक्शन एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं पॉसिबल है जहाँ पर ना डिफाइंड हो। तो बहुत ईजी, अब हम करते हैं जी डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव बच्चों कैसे करोगे बताओ, क्वेश्चन टूल लगाओगे, लगा लो क्वेश्चन टूल लगा लो, क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करते हैं, देखो डी बाय डीएक्स ऑफ वन, वन कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा आपका जीरो, और जीरो इसमें मल्टीप्लाई करेगा जीरो, तो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ जीरो आ गया, ठीक, यहाँ जीरो आ गया, जीरो माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स, टू का हो जाएगा जीरो, उसको हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स, तो और जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस माइनस ऑफ टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको आपको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, यानी कि माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखोगे ना, ठीक है। और मैंने आपको बताया एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए नॉट डिफाइंड हो जाए, तो वो वाला क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, सिंपली डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये तो जीरो हो नहीं सकता नीचे वाला, बात समझो ना,
तो केवल ऊपर ये जो बचा है माइनस टू एक्स को जीरो के इक्वल, भाई न्यूमरेटर जीरो होगा तभी तो जीरो पॉइंट समथिंग जीरो होता है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा जीरो होने के लिए इस पूरे को, ठीक है। तो अब माइनस टू तो जीरो होता नहीं, यानी कि एक्स को जीरो होना पड़ेगा, तो बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चे बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो, नहीं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे ना प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इस पर फिर से क्वेश्चन टू लगाओगे। तो अब यहाँ पर हम एफ डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं आराम से। क्या करते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में चेक करते हैं किसको, g डैश ऑफ x को। तो g डैश ऑफ x इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में चेक करते हैं एक बार g डैश ऑफ x को, x की वैल्यू माइनस वन रखो, जीरो के लेफ्ट में माइनस वन रखा, ठीक है। तो ये आपका आया है क्या g डैश ऑफ x, चेक करो, माइनस टू इंटू एक्स की जगह माइनस वन रखोगे अपॉन एक्स की जगह माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस टू का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा कितना थ्री अपॉन टू प्लस वन थ्री नाइन, ग्रेटर देन जीरो आ गया, यानी कि यहाँ पर साइन कैसा है पॉजिटिव, किसका जी डैश ऑफ एक्स का। और राइट में चेक करो तो जीरो के राइट में वन ले लो, तो माइनस टू इंटू एक्स की वैल्यू वन लो, नीचे वन प्लस टू का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका माइनस थ्री अपॉन नाइन विच इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो नेगेटिव, यानी कि जी डैश ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव से कहाँ चेंज हो रहा है नेगेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जब नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन किसी पॉइंट को क्रॉस करते हुए, तो इस ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स इज इज पॉइंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एक्चुअली पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हमको लिखना चाहिए था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, जी ऑफ वन, ये एक्चुअल में जी डैश ऑफ वन था, ठीक है, जी ऑफ वन। तो फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखोगे वन, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस टू थ्री, यानी कि वन अपॉन थ्री आज, सॉरी एक्स इज इक्वल टू जीरो था ना पॉइंट, तो जी ऑफ जीरो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, वन अपॉन टू, जीरो प्लस टू टू वन अपॉन टू, लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा। लास्ट पार्ट है, इसमें करेक्शन करिए अपनी बुक में, जो ओल्ड बुक है वहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जो इसकी फंक्शन की जो डोमेन दी हुई है वो x इज ग्रेटर देन जीरो दी है पुरानी बुक्स में, ठीक है। तो उसको करेक्ट करो, खुद दिमाग लगाओ, अगर x इज ग्रेटर देन अगर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो जीरो से बड़ा कुछ भी, अब जीरो से बड़ा टू अगर रख दोगे यहाँ तो ये फंक्शन रियल फंक्शन नहीं रहेगा, क्यों, वन माइनस, मान लो x की वैल्यू मैंने जीरो से बड़ी टू सेलेक्ट कर ली तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, x की वैल्यू टू सेलेक्ट करी तो ये हो जाएगा कितना टू रूट ओवर माइनस वन, माइनस वन रूट ओवर माइनस वन तो आयोटा होता है ना, तो इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए आप इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करें ओपन इंटरवल जीरो टू वन में, ओके। तो आप करेक्शन कर लो पहले, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, ऐसा कर लो अपनी बुक में, जिन बच्चों के में करेक्शन है सही है वो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम निकालें, इसका डेरिवेटिव निकालोगे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स के आपका फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। एक काम करें स्टूडेंट्स, क्या प्रोडक्ट रूल लगा लें या इसको अंदर भेज दें, अंदर भेज देंगे तो इजी हो जाएगा। देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, पता है थोड़ा सा मैं इसको अगर सॉल्व कर लूँ, देखो ये एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट ओवर वन माइनस एक्स, और ये एक्स को अगर अंदर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, खुद सोचो, अरे एक्स स्क्वायर था तभी तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेके बाहर एक्स आया था, तो अंदर भेजोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फंक्शन का थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम निकालें, हाँ भाई, तो क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो आपको मैंने बताया है क्या रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, मतलब रूट वाला जो फंक्शन होता है उसका हमेशा कितना होता है वन अपॉन टू रूट। अब यहाँ तो x था तो यहाँ हमने x लिखा, अब यहाँ x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है, तो ये लिख देंगे इन टू फंक्शन ऑफ फंक्शन डी बाई डी एक्स, अब अंदर का करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, करेक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इन टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान दें, अब हमने क्या किया, हमने किया वन अपॉन टू और अंदर वापस से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर यदि आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पर क्या वन माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा एक्स कॉमन लिया
टू माइनस थ्री एक्स, ठीक है, एक्स गया यहाँ से एक्स गया। अब ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर वापस बाहर ले आओ तो एक्स आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो उसका तो ऊपर हो जाएगा आपके पास। ये पूरी क्वांटिटी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी कि एक्स इंटू टू माइनस थ्री एक्स अपॉन, ध्यान दे प्लीज़, ये वाला टू ऐसा ही रहेगा, ये टू से टू मत काट देना यार, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक। तो ये वाला एक्स स्क्वायर बाहर ले आओ रूट के, तो वापस से एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स हो जाएगा और ब्रैकेट बच गया वन माइनस एक्स, ठीक। अब ये एक्स से एक्स वापस से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स आया है फर्स्ट डेरिवेटिव, वो आया है कितना, टू माइनस थ्री एक्स अपॉन, नीचे है आपके पास टू रूट ओवर वन माइनस एक्स आया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं क्या कि हम इसको जीरो के इक्वल लगते हैं। देखो ये तो जीरो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप, अरे ये जीरो नहीं होगा यार, डिनोमिनेटर तो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जीरो होना पड़ेगा, यानी कि टू माइनस क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं जिसके लिए नॉट डिफाइंड हो जाए कौन फर्स्ट डेरिवेटिव। एक्स इज इक्वल टू वन अगर रखोगे तभी तो नीचे जीरो आएगा, और वन तो अलाउड ही नहीं है रखना, चेक करो, ये ओपन इंटरवल है, वन से लेस चाहिए एक्स और जीरो से बड़ा। तो बस क्रिटिकल पॉइंट एक ही तरीके से निकलेगा, इसको जीरो के इक्वल रखे, इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टू अपॉन थ्री, करेक्ट। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री के लेफ्ट में राइट में एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करा, फर्स्ट डेरिवेटिव लगा रहा हूँ, सेकंड पता क्यों नहीं लगा रहा हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा भाई, ये क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, कौन करेगा इतनी देर, ठीक है। तो 2 अपॉन 3 होता क्या है सोचो, 2 अपॉन 3 होता है आपका बच्चों मेरे ख्याल से 3 × 18 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.66 के आसपास होता है, ठीक है। तो 0.666 के पीछे कोई नंबर सोचो, जीरो आता है, हाँ आता है, यहाँ कहीं जीरो आएगा, तो हमने एफ डैश ऑफ, अच्छा हाँ, जीरो नहीं ले सकते हो क्यों नहीं ले सकते हो, जीरो पे ओपन इंटरवल है, यहाँ भी फंसा दिया इसने हमको, ठीक है। तो वन अपॉइंट फोर ले सकते हैं क्या, सोचो वन अपॉइंट फोर का क्या मतलब होता है, वन अपॉइंट फोर का मतलब 0.25, नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं 0.6 से, तो अरे बस फर्स्ट प्लेस तक चेक कर लो यार, ठीक है। 0.6 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है, बताओ 0.66 बड़ा, यानी कि 2/3 इज़ ग्रेटर देन व्हाट, 1/4। जिन बच्चों को भरोसा नहीं है मैं भरोसा करा देता हूँ, 2/3 और ये रहा 1/4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो, तो इसको 4 से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 8 / 12, और इसको 3 से ऊपर 3 से नीचे, ये एक्चुअल में क्या है, 1/4 के इक्विवेलेंट है, और ये जो भी आया है ये 2/3 के इक्विवेलेंट है, तो 2/3 के इक्विवेलेंट क्या आ गया, 8/12 आ गया, और 1/4 के इक्विवेलेंट क्या आ गया, 3 × 3/12, ठीक है। तो 1/4 के इक्विवेलेंट क्या आ गया, 3/12। अब बताओ 3/12 बड़ा है कि 8/12 बड़ा है, बताओ, हाँ 8/12 ही तो बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही तो बड़ा होगा, 8/12 बड़ा है, इसका मतलब 2/3 बड़ा है, तो 2/3 के लेफ्ट में पक्का क्या आता होगा, 3/12, यानी कि 1/4, तो यहाँ 1/4 आता होगा, ठीक। तो हमने क्या किया, इस डेरिवेटिव का साइन हमने चेक किया कहाँ, 1/4 पे, ठीक है। तो 2 माइनस 3 इंटू 1/4 और डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 × 8, 8 − 3, अरे एलसीएम एलसीएम ले लो यार, 4 × 8 और ये 3 × 3, 4 × 8 − 3, ये हो जाएगा 5/4, तो ऊपर तो हो गया पॉजिटिव, सॉल्व करने की पूरी जरूरत नहीं, बस चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नीचे 4 − 1 ये स्क्वायर रूट के अंदर 3/4, बस क्लियरली इट इज़ ग्रेटर देन 0, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं आया ना, ऊपर चेक करो, ठीक। तो ये हो गया पॉजिटिव, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2/3 के लेफ्ट में ये आपका कैसा है, आपका पॉजिटिव है, कौन, एफ डैश ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है। अब 2/3 के राइट में, ठीक है, तो 2/3 के राइट में और 1 से छोटा, यानी कि 0.8 पे अगर हम चेक कर लें, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0.8 ले लें, ठीक है, 0.8 का मतलब समझते हो ना, 0.8 का मतलब क्या होता है, 0.8 का मतलब होता है, यहाँ से पॉइंट हटाओ, 0.8 का मतलब क्या होता है, पॉइंट हटाओ, 8/10, यानी कि 2 × 4 = 2 = 5, तो 4/5 ले सकते हो आप, ठीक है। तो 4/5 इज़ लेस देन 1, यानी कि भाई क्योंकि आप ध्यान करो ना, आपको 0 के पीछे नहीं जाना है और 1 के आपको आगे नहीं जाना है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो यहाँ से मैंने एक नंबर चूज़ किया 4/5, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मैं चेक करता हूँ कहाँ, 4/5 पे, ये कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है, कर लीजिए। तो यहाँ मैं इसको चेक कर लेता हूँ, देखिएगा मेरे ख्याल से तो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, चेक करते हैं। तो एफ डैश ऑफ कितना रखना है, 4/5, ठीक है, तो हो जाएगा 2 − 3 × 4/5 और अपॉन में 2 √1 − 4/5, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, देखो 5 × 2 = 10 और −3 × 4 = 12 अपॉन में 5
अपॉन एलसीएम एलसीएम लेना है यार, यहाँ पे 2 रूट ओवर 5 माइनस 4 1 अपॉन 5। देखो नीचे तो है पॉजिटिव पक्का, ऊपर देखो 10 माइनस 12 माइनस 2 होता है, तो माइनस 2 अपॉन 5 अपॉन 2 रूट ओवर। अब ये वैल्यू कुछ भी हो, क्या सॉल्व कर रहे हैं? सॉल्व नहीं करना है ना, ना, ना। इस नेगेटिव की वजह से पूरा क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये लेस देन क्या गया? 0। यानी कि आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। कहाँ? लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है कहाँ? एक्स इज इक्वल्स टू 2.3 के राइट में। तो आपका साइन पॉजिटिव से कहाँ चेंज हो रहा है? नेगेटिव पे। यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू 2.3 क्या है? पॉइंट ऑफ व्हाट? याद करो ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जब चेंज होता था तो क्या होता था? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास क्या आंसर में? यहाँ एक्स इज इक्वल्स टू 2.3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड व्हाट? लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? फंक्शन में हम क्रिटिकल पॉइंट को रख देंगे, और क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या था? 2.3 था। तो रखते हैं, फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन था हमारा ये, तो एफ ऑफ 2.3 इज इक्वल्स टू एक्स की जगह 2.3 रखिए, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह 2.3 रखिए, सॉल्व करिए 2.3 स्क्वायर रूट के अंदर 3 माइनस 2 1.3। अब ध्यान दो, ये जो स्क्वायर रूट लगा है 1 को भी मिलेगा 3 को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम? इसको रेशनलाइज कर ले रहे हैं। कैसे? रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, रूट 3 से नीचे, न्यूमरेटर में भी रूट 3 से, डिनोमिनेटर में भी रूट 3 से। अब ध्यान दो, क्या ऊपर क्या हो जाएगा? 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3, और नीचे ध्यान दें प्लीज़, रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 हो गया, और ये वाला भी 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। यानी कि जो आपका आंसर है वो 2 रूट 3 अपॉन 9 है। तो x इज इक्वल टू 2.3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 2 रूट 3 अपॉन 9। ओके, तो लेट मी चेक इट। ऑब्वियसली आंसर बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और कमेंट सेक्शन को चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और अगर आप थोड़ा सा लेट आए हो इस वीडियो पे, तो यहाँ एंड स्क्रीन पे भी आपको प्लेलिस्ट और नेक्स्ट वीडियो दिखाई पड़ रहा होगा।